हम सब जानते हैं कि एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। हम जो कुछ भी करने में सक्षम हैं आज, वो सब एजुकेशन की वजह से है, विद्या की वजह से है। और बहुत ज़रूरी है कि हम कोशिश करें कि हमारे देश में जितने सारे लोग एजुकेटेड हो सकते हैं वो हो, क्योंकि एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक एजुकेशन हम सबका राइट है। और अनफॉर्चुनेटली सबको ये राइट नहीं मिलता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब जितने भी लोग हैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह इस मुहिम में अपना साथ दें। तो स्माइल फाउंडेशन के साथ स्पेशली मेरा अच्छा नाता रहा है, बिकॉज़ उन्होंने जब मुझे इसके लिए बुलाया था तो मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं आपके लिए गाना बनाना चाहूँगा, और वो गाना आज मैं यहाँ पर परफॉर्म करूँगा जो स्माइल के लिए है, स्माइल के बच्चों के लिए है। एंड दिस सॉन्ग इज़ कॉल्ड कुछ दिनों से, एंड आई होप कि लोगों को गाना पसंद आए, लोग गाना सुन के ये भी सोचे कि हम स्माइल के थ्रू इन सभी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह से इस कैंपेन में उनको हेल्प कर सकते हैं। और ये कोशिश करें विद गुड इंटेंशंस कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को हम स्कूल भेज सकें। एज यू नो आज की ज़िंदगी कितनी सेल्फिश है, हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। बहुत कम मौका मिलता है कि किसी ऐसे नोबल काम के लिए हमें कुछ करने मिले। जब मुझे कुछ ऐसा मौका मिलता है तो मैं ज़रूर कुछ करने की कोशिश करती हूँ, एंड इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर। हम लोग वॉक करने वाले हैं यहाँ पे, और स्माइल फाउंडेशन का जो ये रैंप वॉक का जो ये रखा हुआ है, इसमें हम लोग, हमारी ABCD की टीम वॉक करेगी, एंड छोटा मोटा डांस भी होगा, हम लोग करेंगे। तो बस एंजॉय करेंगे, स्माइल करेंगे, क्योंकि स्माइल फाउंडेशन। आई थिंक वी वेरी प्रिविलेज्ड कि यू नो वी बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्माइल फाउंडेशन, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है, एंड बिकॉज ABCD एक ऐसी मूवी रही है जो बच्चों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है। सो ऐसा मंच जो बच्चों के लिए कुछ करता है, एंड देन वी ऑल गेट टू डांस, आई थिंक इट कैन गेट बेटर देन दिस। Keep up this campaign.